नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। उमेश पाल शूटआउट में शामिल माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के पुलिस एनकाउंटर को लेकर के जो है अब कई और बड़े खुलासे होते हुए जा रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है कि आखिरकार असद अहमद की बॉडी किसे दी जाएगी, यानी कि उसके शव को किसे सौंपा जाएगा। देखिए, अतीक अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहता था, उसे अपने हाथों से दफनाना चाहता था, लेकिन अब उसकी ये हसरत भी पूरी नहीं हो पाएगी। कोर्ट ने अतीक को असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी है। अतीक ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि जिसने कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस असद अहमद के शव को अतीक के रिश्तेदारों को सौंपेगी। असद का शव लेने उसके नाना हारून और मौसा डॉक्टर उस्मान झांसी जाएंगे। असद का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा शुक्रवार को, यानी आज कोर्ट की छुट्टी होने की वजह से अब अतीक दोबारा अपील भी नहीं कर पाएगा। हालांकि वो जिला प्रशासन ने पैरोल के लिए अपील कर सकता है, लेकिन जिस तरह के हालात है ऐसे में उसे इजाज़त मिलना मुश्किल है। अतीक अहमद अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहता था। उसने असद को प्रयागराज में ही दफनाने की अपील भी की थी। अतीक के साथ उसका भाई भी अपने भतीजे के जनाजे में शामिल होना चाहता था। अतीक के परिवार के ज्यादातर सदस्य या तो जेल में हैं या फिर फरार हैं और उसके दो बेटे नाबालिग हैं। इस बीच सूत्रों की माने तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती है। शाइस्ता उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार है, लेकिन अब वो अपने बेटे असद को आखिरी बार देखना चाहती है। शाइस्ता अपने वकीलों के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है, क्योंकि कोर्ट के जरिए सरेंडर करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसीलिए वो पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। आपको बता दें कि अतीक और शाइस्ता की आखिरी बार जब बात हुई थी तो वो असद को लेकर हुई थी। शाइस्ता इस बात को लेकर बेहद नाराज़ थी कि असद गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकला, उसने तमंचा क्यों लहराया था, जिसकी वजह से सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हो गई थी। इस पर अतीक ने कहा था कि वो शेर का बेटा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।